नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज का विषय व्यूअर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज के युवा वर्ग में बहुत पॉपुलर है, फिल्म्स में जाने की चाहत। अनेक व्यूअर्स ने लिखा है कि ऐसा कौन सा योग होता है जो एक व्यक्ति को ग्लैमर इंडस्ट्री से जोड़ता है, फिल्मों से जोड़ता है और सुपर सक्सेस एक्टर एक्ट्रेस बनाता है। ग्लैमर की दुनिया बिना कुंडली के योग के व्यक्ति आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आपके जन्म कुंडली में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण योग बना हुआ है तो आप कहीं पर भी हो, आपके मन में एक्टिंग, सिंगिंग या मॉडलिंग या टीवी में एक्टिंग करने का विचार अपने आप ही उठने लगेगा और आप अपने आप ही उस दिशा की ओर जाने की सोचेंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने अपने जीवन काल में अनगिनत सेलिब्रिटीज जो फिल्म से कनेक्टेड हैं, टीवी ग्लैमर्स मॉडलिंग वर्ल्ड की कुंडलियां देखी। कई तो आज भी सेलिब्रिटी हैं और मैं उन योग के बारे में बताऊंगा आज जो मैंने उनकी कुंडलियों में देखा, जिसके कारण उनको बहुत इजी सक्सेस, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या कहीं भी ग्लैमर इंडस्ट्री हो, मिल चुका है। व्यूअर्स, कुंडली के दशम भाव से बिजनेस का आंकलन किया जाता है, इसलिए दशम भाव के स्वामी ग्रह, इसमें बैठे ग्रह और इससे संबंध बनाने वाले ग्रह मिलकर तय करते हैं कि व्यक्ति किस बिजनेस को अपनी लाइवलीहुड, आजीविका के रूप में चुनेगा। वर्तमान समय में अभिनय एक्टिंग की दुनिया में बहुत से युवक युवतियां अपना भाग्य आजमाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ बहुतों को सफलताएं मिलती है और बहुतों को असफलताओं का दौर देखना पड़ता है। यहाँ चंद्रमा शुक्र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लेकर ग्लैमर की दुनिया में, फिल्म्स की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में, चाहे एक्टिंग हो या टीवी एंकरिंग हो या फिल्म्स में सिंगिंग हो, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बन जाता है और बहुत नाम शोहरत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योतिष के आधार पर मैं बता दूं, व्यक्ति का लग्न व लग्नेश अत्यधिक बलि होना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों बलि होंगे तभी व्यक्ति दूसरों पर अपना इम्पैक्ट, प्रभाव छोड़ने में सफल होगा। यदि आपका लग्न और लग्नेश पावरफुल नहीं है, आप कभी भी दूसरे व्यक्ति के सामने अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाओगे और आगे बढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पर लग्नेश को बलवान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका लग्नेश कमज़ोर है और आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरी व्यूअर्स किसी भी फील्ड में हो, लग्नेश का रोल
बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लग्नेश को जेमस्टोन के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, दान पुण्य चैरिटी के द्वारा जरूर स्ट्रांग कर लीजिएगा यदि बहुत आगे जीवन में कार्य क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। व्यक्ति की कला और अभिनय एक्टिंग को लोग लंबे समय तक याद रख सकें इसके लिए लग्न लग्नेश के बलि होने पर व्यक्ति लोगों पर अपना अमिट छाप छोड़ने में बहुत कामयाब रहता है। इसलिए एक्टिंग के क्षेत्र में काम करने वालों का ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। जन्म कुंडली के व्यूअर्स पांचवें भाव का आंकलन एंटरटेनमेंट मनोरंजन की दुनिया के लिए किया जाता है, यानी कि अभिनेताओं की जन्म कुंडली में पंचम का संबंध दशम यानी कि टेंथ हाउस से जरूर होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री हो या रंगमंच से संबंधित क्षेत्र हो, कुंडली का पंचम भाव यानी कि फिफ्थ हाउस तथा पंचमेश यदि बलवान होकर दशम भाव या दशमेश से रिलेशन संबंध बना रहा है, तब व्यक्ति विशेष अभिनय के क्षेत्र से अपनी लाइवलीहुड आजीविका अर्जित करता है। जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस को एंटरटेनमेंट का भाव कहा जाता है। इसका पावरफुल होना, शक्तिशाली होना फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, मॉडलिंग, टीवी एंकरिंग, मीडिया वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक और भाव है जिसके बिना फिल्म्स में आप कभी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो है व्यूअर्स जन्म कुंडली के तीसरे भाव, क्योंकि तीसरे भाव से एक व्यक्ति के शौक के बारे में जाना जाता है। साथ ही कला से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी को इसी भाव से देखा जाता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तब व्यक्ति कला से संबंध जरूर जरूर रखता है। ग्रहों की प्रकृति से व्यक्ति के शौक अपने आप ही निर्धारित हो जाते हैं। मैं बता दूं व्यूअर्स, तीसरे भाव से व्यक्ति में रचनात्मकता, कला, सृजनात्मकता का गुण आता है। तीसरे भाव का रिलेशन पंचम भाव या पंचमेश या वीनस यानी कि शुक्र से बनता है, तब व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाने में सफल हो जाता है और उसकी एक्टिंग अभिनय बहुत उच्च कोटि की होती है। मैं बता दूं व्यूअर्स, यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न या लग्ने से तीसरे भाव का संबंध बनता है, तब इसे बहुत अच्छा फिल्म्स की दुनिया में जाने के लिए, सक्सेस के लिए माना जाता है। ऐसा क्यों आखिर? क्योंकि व्यूअर्स, तीसरे भाव से मीडिया तथा संचार कम्युनिकेशन के साधनों का भी विश्लेषण किया जाता है और इन्हीं मीडियम साधनों के माध्यम से व्यक्ति को पॉपुलैरिटी, मास पॉपुलैरिटी हासिल होती है। यानी कि मैं बता दूं व्यूअर्स, फिल्म्स में जाने के लिए स्ट्रांग ताकतवर लग्न लग्नेश, बलि पंचम पंचमेश, तृतीय भाव या तृतीयेश, दशम भाव व दशमेश का आपस में जितना शुभ संबंध रिलेशनशिप बनेगा, वो व्यक्ति उतना ही अच्छा कलाकार होगा और फिल्मी दुनिया में, मॉडलिंग, ग्लैमर की दुनिया में उसे बहुत ज़्यादा फेवर लोग करने लगेंगे। इन सभी भावों का जितना कमज़ोर संबंध होगा, व्यक्ति की अभिनय क्षमता भी
कमज़ोर हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का भी ऐसा ही है, ग्रह बलवान है, फिल्म्स बनाते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। यदि आपका शुक्र कमज़ोर है, फिल्म्स बना रहे हैं, पंचम और तृतीय भाव कमज़ोर हैं, तो आप कितना भी अच्छा फिल्म्स बनाएं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। यदि आपने पूजा पाठ, चैरिटी और जेम स्टोन से उपाय नहीं लिए, व्यूअर्स अक्सर आप में से लोग पूछते हैं एक्टिंग की दुनिया में जाने के लिए ऐसा कौन सा प्लैनेट्स है जो एक्टिंग में ले जाता है। मैं बता दूं व्यूअर्स, वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र, ये ग्लैमर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, यानी कि शुक्र एक व्यक्ति को चमक धमक की दुनिया में ले जाता है। बिना शुक्र बलवान के आप कभी पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, ना ही फिल्म्स वर्ल्ड, सिंगिंग, मॉडलिंग, टीवी एंकरिंग में जा नहीं पाएंगे। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा अर्थात मन, शुक्र वीनस अर्थात कला, दोनों का संबंध फिफ्थ हाउस तथा फिफ्थ लॉर्ड से होता है, यानी कि पंचम भाव तथा पंचमेश से होता है, तब उसे एक्टिंग के क्षेत्र में जाने का बहुत आशीर्वाद मिलता है, योग बनता है। बुध ग्रह को भी हम नकार नहीं सकते। फिल्म्स की दुनिया में बेताज बादशाह बनने के लिए आवाज़ ज़रूरी होती है। बुध मरकरी प्लैनेट वाणी का देवता है, इसलिए जन्म कुंडली में यदि बुध का संबंध चंद्रमा और शुक्र से हो रहा है, तब व्यक्ति अपनी वाणी का प्रभाव इतने सुंदर ढंग से प्रयोग करेगा, उसके डायलॉग बोलने का ढंग इतना मधुर, इतना प्रभावशाली होगा, सुनने वाले उसके भक्त हो जाएंगे। जनता उसे बहुत लाइक करेगी और उसे सक्सेस पर सक्सेस मिलते जाएगा। एक और ग्रह जिसके कारण मैंने देखा है फिल्म्स के अंदर लोग काफ़ी आगे निकले हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा व्यूअर्स मन का कारक ग्रह है। यदि किसी व्यक्ति का मन ही अच्छा नहीं है तो वो जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। यदि मन में आगे बढ़ने के सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते तो वो व्यक्ति जहाँ उसने शुरुआत की वहीं रह जाएगा। यदि आपके मन में बहुत क्रिएटिव टैलेंट्स आता है और आप सोचते हैं मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, इसका मतलब है आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। चंद्रमा व्यक्ति को एक्टिंग से जोड़ता है, कला से जोड़ता है। अभिनय के क्षेत्र में लाइवलीहुड, आजीविका कमाने के लिए चंद्रमा बलि होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा स्ट्रांग होने पर व्यक्ति दूसरे के भावों को समझ लेता है और अपने भावों को लोगों के सामने प्रकट करने में झिझकता नहीं है। अभिनय के लिए व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होना चाहिए और विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। इन दोनों का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। यहाँ यदि चंद्रमा और शुक्र का योग है आपकी कुंडली में, तो समझ लेना ये आपको एक्टिंग की दुनिया, डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, टीवी एंकरिंग की दुनिया में बहुत आगे ले जाएगा और सक्सेस स्टोरी क्रिएट करेगा। ये चीज़ें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से व्यक्ति के मन में अपने आप आएगा। वो क्या कारण है, कुछ साल पहले तो एक व्यक्ति एक मामूली सा टीचर था और बाद में वो व्यक्ति बॉलीवुड के अंदर या हॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा नामी पॉपुलर एक्टर बन के उभर के आया। व्यूअर्स, इसका सबसे बड़ा कारण चंद्रमा और शुक्र का योग है। मैंने ऐसे कई एक्टर्स और एक्ट्रेस का हॉरोस्कोप देखा है जहाँ चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन है और आज भी नंबर वन स्लॉट उनका ही चल रहा है। मैं बता दूं व्यूअर्स,
एक्टिंग की दुनिया बिना शुक्र के संभव नहीं है, यानी कि शुक्र का पीड़ित होना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एक्टिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के लिए। यदि शुक्र पर पाप प्रभाव नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के सामने निर्भय होके बिना शर्म महसूस किए कर नहीं पाएगा। वो सभी को अपना कला दिखाने में शर्म फील करेगा। जब आप लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, झिझकेंगे, तो एक्टिंग की दुनिया में लाइवलीहुड आजीविका कैसे कमाएंगे? यहाँ शुक्र यदि पीड़ित है तो व्यक्ति बोल्ड होकर सामने आता है और अपनी कला, अपनी टैलेंट, अपने स्किल, एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन को प्रस्तुत करता है और सुपर सक्सेस स्टोरी क्रिएट करता है। फिल्मों में जिन्होंने बहुत नाम कमाया, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स, एक्ट्रेस या सहायक कलाकार हो, उन सब का शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। जिसका जितना ज़्यादा पीड़ित, वो उतना अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस होगा। व्यूअर्स, सफल अभिनेताओं की कुंडली में शुक्र पर पाप प्रभाव बना रहता है और अधिकांश सफल अभिनेताओं कुंडली, मैंने भी कईयों की देखी, शुक्र पर मंगल का भी प्रभाव मैंने पाया। क्योंकि मंगल यदि पावरफुल नहीं है और शुक्र के साथ प्रभाव क्रिएट नहीं कर रहा तो फिल्म्स में आप आगे नहीं जा सकते। बॉलीवुड के सबसे टॉप स्टार सलमान खान, इनकी कुंडली में शुक्र और मंगल का बहुत अच्छा और प्रभावशाली प्रभाव है, जिसने आज भी सलमान खान को टॉप स्टार बना कर रखा है। आज भी सलमान खान की फिल्में चलती है तो लोग सिनेमाघरों में कतार में खड़े होते हैं टिकट लेने के लिए। क्या कारण इस एक्टर में जो इतने लंबे समय तक नंबर वन स्लॉट में बना रहा? मैं बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण सलमान खान का पावरफुल शुक्र और मंगल का होना है। मंगल जोश ऊर्जा प्रदान करता है और शुक्र साथ में हो फिर अभिनय को तराशता है, पर्सनैलिटी में निखार लाता है, लोगों में चाहत पैदा करता है और आपको सक्सेसफुल बनाता है। धन्यवाद व्यूअर्स, एक नए वार्ता के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप में से कई ऐसे होंगे जो मीडिया वर्ल्ड, मॉडलिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं या काम भी करते होंगे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स भी होंगे। आप में से कोई यदि जानना चाहता है कि एक्टिंग में जाएगा नहीं, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। सबका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, परंतु मैं कुछ लोगों का निश्चित रूप से जवाब दूंगा। धन्यवाद व्यूअर्स, फिर से मुलाकात होगी। बाय। वो जिसने दिल पे दस्तक दी, कभी पलकों की जुम्बश से लगा कर होंठ कानों से कई सरगोशियां फूकी, मेरे कांधे पे सर रख के मुझे जन्नत दिखाता था, उसे इल्जाम क्या देना, वो था ही बेवफा। वो जिसने दिल पे दस्तक दी, कभी पलकों की जुम्बश से लगा कर होंठ कानों से कई सरगोशियां फूकी, मेरे कांधे पे सर रख के मुझे जन्नत दिखाता था, उसे इल्जाम क्या देना, वो था ही बेवफा। जिसने दिल पे दस्तक दी, कभी पलकों की जुम्बश से लगा कर होंठ कानों से कई सरगोशियां फूकी, मेरे कांधे पे सर रख के मुझे जन्नत दिखाता था, उसे इल्जाम क्या देना, वो था ही।
जिसने दिल पे दस्तक दी, कभी पलकों की जुम्बश से लगा कर होंठ कानों से कई सरगोशियां फूकी, मेरे कांधे पे सर रख के मुझे जन्नत दिखाता था, उसे इल्जाम क्या दे।